भारतीय फौज के विच भर्ती होने का जारी सर्टिफिकेट मोर लगी है, साइन होए हुए नंबर पिया हुआ, तो पंजाब पुलिस चुप ते खामोश हैगी है। ठगी लगी किसी नूं 3 लाख, किसी नूं 3.5, किसी नूं 4 लाख। मेरे कोले फोटोग्राफ दिखाए नौजवानां जिन्हां दे विच करनल अपने आप नूं वर्दी पाई हुई है, वर्दी पा के लैफ्टिनेंट करनल दसदे हन, ते ओह ठगी मार गए। हजे तक अफसोस कि किसी भी तफ्तीशी अफसर ने इन्हां ठगे गए पीड़ितों के विचों किसी के बयान तक नहीं दर्ज किए। उस 25-30 करोड़ रुपये के विचों वख-वख अफसरानों उन्होंने चुप कराने वास्ते, घोसलो करने वास्ते यह सारा दारोमदार बंदोबस्त करते हैं। इस कदर ठग का हौसला कि इन्हों पहला तो जोड़ा इन्हों के टैसट वाला जाली सरकारी मोहर लगिया हुई ने, जाली एडमिनिस्ट्रेशन उदो काम करेगा जो रूलिंग वाले लोग जो सत्ता दे विच आ, जो लोग इलैक्शन हो गए बादलों दी बसा दे विच 52 बंदे बैठ सकते हैं, ब्याह दे विच 30 बंदियां तो वध 15 कुड़ी वाले 15 मुंडे वाले। मुख्यमंत्री साहब आ वो अज गुफा वासी हुए, किसी नूं नहीं पुछते, किसी नूं नहीं सुनते, किसी नूं नहीं गिणते कि कौन की कर रहा। मेरे गहना गट्टा बेच के अपने घर गिरवी रख के इस ठग का मूंह भरता भी कितने साडे मुंडे सरकारी नौकरी कर लैणगे। इंडियन आर्मी रिक्रूटमेंट सर्टिफिकेट तैयार कर सकता, एदू वड्डा कोई होर ठग्गा हो सकता? फट्टा लाई बैठे नौकरियां देने का, जो बाहर भेजने का फट्टा लाई बैठे। अफसोस आ पंजाब के अंदर लॉ एंड ऑर्डर लैके हमेशा सवाल खड़े होंगे कि पंजाब के अमन कानून की स्थिति कैसी है। पंजाब के अंदर अमन कानून बहाल करने वाली एजेंसी मतलब कि पंजाब पुलिस की करती है। अज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस जरिए आप वो दोस्त नौजवान साथी खड़े है जिहड़े नौकरी के नाम से फौज के नौकरी प्राप्त करने के नाम के उत्ते ठगे गए, तो ठगी भी कोई हजारों के विच नहीं, ठगी लगी किसी नूं 3 लाख, किसी नूं 3.5, किसी नूं 4 लाख, तो तकरीबन 300-350 के करीब पूरे पंजाब दे विचों ये नौजवान हैगे जिन्होंने फौज के भर्ती होने के झांसे दे विच आके बेरोजगार हैगे। बेरोजगार बंदा माँ बाप सोचता भी चलो कि नौजवान पुत नौकरी ते लग जाऊगा, कोई चार छिल्लर घर की हालत चंगी हो जाऊगी। सो ये पैसे इन्होंने पेरेंट्स ने ब्याज के उत्ते चक्के, किसी की माँ ने गहने बेचे, किसी के बापू ने घर गिरवी रख के 4 लाख 3.5-4 लाख रुपया लैके ठग बंदियां नूं देता, एंड 350-400 के करीब बंदा ते ठगी मारन वाला राजपाल सिंह, वरिंदर जसपाल ते संदीप गिल। मेरे कोले फोटोग्राफ दिखाए नौजवान जिन्हां दे विच करनल अपने आप नूं वर्दी पाई हुई है, वर्दी पा के लैफ्टिनेंट करनल दसदे आ, ते ओह ठगी मार गए। ये नौजवान जिहड़े बेरोजगार आ जिन्हां नूं कैप्टन अमरिंदर सिंह 2017 दे विच हर घर दे विच एक परिवार दे अंदर एक मैंबर नूं सरकारी नौकरी देण दा वादा करदे सी, जे किते ओह वादा पूरा कीता हुंदा ते मेरा ख्याल ये दोस्त जिहड़े 15 करोड़ रुपये तो ज़्यादा दे विच ठगे गए, ठगे ना जाते। दूसरी वड्डी अफसोस की गल, लॉ एंड ऑर्डर की मैं गल कर रहा सी, मेनटेन करने वाली एजेंसी पंजाब पुलिस अच्छे चुप ते खामोश है। मेरा ख्याल अज तो 10-12 दिन पहला ये मौड़ बठिंडा तो वड्डी गिणती दे विच नौजवान मेरा दफ्तर भरिया पिया, तुसीं उन्हां दी वाइट भी करे हो। ये पुलिस नूं दरखास्त SSP साहब को दरखास्त दे के आए। हजे तक अफसोस कि किसी भी तफ्तीशी अफसर ने इन्हां ठगे गए पीड़ितों के विचों किसी के बयान तक नहीं दर्ज किए। FIR तो बड़ी दूर की गल है, SSP साहब ने वो दरखास्त किहड़े अफसर नूं मार्क की, उस अफसर ने अगे इन्हां पीड़ितों के बयान, FIR बड़ा दूर का काम है, बयान तक नहीं दर्ज किए। समझ सकते हो कि पंजाब पुलिस जिहड़ी हमेशा चर्चावां दे विच रहिंदी आ, वो पुलिस जिहड़ी एक रेहड़ी वाले दे केले चक्के अपनी गड्डी च रख सकती है, वो पुलिस जिहदा म्यार मिट्टी दे विच बणाता खाकी दे लोकां ने। असल दोषी दे गलावे नूं हथ पाउण तों क्यों डरदे आ?
क्योंकि वह बंदे ने कोई 25-30 करोड़ रुपये की ठगी मार ली, उस 25-30 करोड़ रुपये के वख-वख अफसरां नूं उन्हां नूं चुप कराने वास्ते घोसलो करने वास्ते यह सारा दारोमदार बंदोबस्त करते हैं। सो अज यह दोस्त कट्ठे हुए हैं, तुसीं हैरान रह जाओगे ठगी इस कदर ठग का हौसला कि इन्हों पहला तो जोड़ा इन्हों के टैस वाला जाली सरकारी मोहर लगिया हुई ने जाली ये रोल नंबर कह दूंगा कि तुम टैसट के जा सकते हो एंट्री पास है। फिर उदू बाद ठगी का चरण देखो इंडियन आर्मी रिक्रूटमेंट, इंडियन आर्मी रिक्रूटमेंट सर्टिफिकेट जारी करता है, भारतीय फौज के भर्ती होने का जारी सर्टिफिकेट मोहर लगी है, साइन हो नंबर पिया हो, तो पंजाब पुलिस चुप तो खामोश हैगी है। वो पंजाब पुलिस को जो ये नौजवान गए उन्होंने तो तुरंत चाहिए सी इन एक्शन, वो तुरंत हरकत में आते तो तुरंत दोषी दे गलामे तक पहुँच जाते। पर अफसोस है कि पंजाब पुलिस चुप तो खामोश क्योंकि पंजाब पुलिस का सत्कारयोग मुख्यमंत्री जिन्हों के कोले गृह विभाग भी है कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब, वो गुफावासी हुए हुए हैं, वो सैल्फ क्वारंटाइन हुए हुए हैं, शासन इनएक्शन होएगा तो प्रशासन काम करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन उदो काम करेगा जो रूलिंग वाले लोग जो सत्ता दे विच आ जो वो लोग इनएक्शन होंगे। हुण कैप्टन अमरिंदर सिंह का इनएक्शन की जगह वो तो गुफावासी हुए हैं, सैल्फ क्वारंटाइन हुए हुए हैं, तो थले जो एडमिनिस्ट्रेशन है तो एडमिनिस्ट्रेशन लोगों के नाल की करता है, ये जौगी जागती मिसाल हैगी है। करोना के नाम के उत्ते अज लोगों को डराओ, मैं समझदा कि महामारी है पर अज करोना के नाल करोना राजनीतिक भूत बन गया, ये जिहड़ा करोना राजनीतिक भूत बने ये अत्यंत माड़ा। ये गल्लां मेरियां अज हो सकता बहुत सारे वर्ग नूं बहुत सारे लोगों अटपटियां लगन कि करोना के बरखिलाफ, पर करोना के उत्ते जिहड़ा राजनीतिक भूत चमड़िया होया ना ये वड्डी पद्धर ते नुकसान कर रहा, पहले साडे सूबे दा नहीं देश दा नुकसान, मूंह ते चेपी लावो कोई नहीं बोल सकता। बादलों दसा 52 बंदे बैठ सकते हैं, ब्याह के 30 बंद 15 कुड़ी वाले 15 मुंडे वाले, एडू वही है लॉ एंड आर्डर मेनटेन करने वाले पुलिसी ब्याह के जाकर डांग खड़काते हैं, ये लोगों के चलान कट्ट वे डांग खड़काते हैं, तेरे मास्क नहीं पाया रख 500 रुपया, ये रेफरेंडम 2020 के उत्ते बेकसूरे नौजवानों थाणे च बिठा के दलील करके उन्होंने जेब कट्ट के महारत रखते हैं, पर जो कोई ठगी लगी हो उस ठग को फड़न वास्ते इन्होंने कोई समा नहीं है, समा इस करके नहीं गया क्योंकि इन्होंने पुछ पड़ताल करने वाला सत्कारयोग गृहमंत्री जो सत्कारयोग साडे सूबे के मुख्यमंत्री साहब है वो अज गुफावासी हुए, किसी को नहीं पुछते, किसी को नहीं सुनते, किसी को नहीं गिणते कि कौन की कर रहा, मेरे राज की जनता की तंगियां की परेशानियां है। तो मैं इन्हों दोस्तों लोक इंसाफ पार्टी वालों मेरे को आया, मैं यकीन दवाना इस ठग ने जिहदा नाम हैगा राजपाल संदीप जसपाल ते बरिंदर, यह भी पता लग्या भी इन्होंने इन्हों के नाल जिहड़ी 15-20 करोड़ रुपए की ठगी मारी है उन्हें खरीदी है जदाद जमीन खरीदी है उन्हें। मैं इन्हों दोस्तों की ड्यूटी लाई है भी तुसी उहदी जमीन कित्थे हैगी है यह पता करो, ता कि 250-300 उस जमीन के उत्ते पाओ, बिल्ले को सेफ लगता तो बलूंगड़े पैरों थले आते हैं, कला पुलिस कार्रवाई नहीं, असी इन्हां बेरोजगार नौजवानों वास्ते जिन्हां दे मां बाप ने गहना गट्टा बेच के अपने घर गिरवी रख के इस ठग का मूँह भरता भी कितने साडे मुंडे सरकारी नौकरी कर लैणगे, तो इन्हां दी मदद करन दी जिम्मेवारी है। मैं FIR दर्ज करवाउण वास्ते सत्कारयोग SSP सत्कारयोग पुलिस अधिकारियों को भी तुहाडे जरिए बेनती करदा, परसनली टैलीफोन भी करूँगा भी तुरंत FIR दर्ज कर दिओ, कल्ले कल्ले बताओ, ये नहीं भी 250 जां 100 वालों 50 वालों पट्ठी दे दी, एक कल्ले कन्ने वालों FIR दर्ज होएगी। तो जेडे इस ठग ने पंजाब के अंदर इन्हों ठगी मारन को जो करोड़ा रुपया इन्होंने बनाया वो करोड़ा रुपये जो खत्ते खेत या प्लाट खरीदे वो इन्हों नौजवानों के ता जो इन्हे हुए नुकसान की भरपाई हो सके। थोड़ा गल बिल्कुल वाजब है, सरकार जागृत करती है एक नौजवान जो बेरोजगार है, किसी ने ग्रैजुएट की, कोई पोस्ट ग्रैजुएट, कोई डिप्लोमा होल्डर है, वो
ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਕਰਾਈ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਦੇਖਦਿਆਂ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਉਹ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਜਿੱਥੇ ਓਖਲੀ ਮੈਂ ਸਰਦੀਆ ਤੋਂ ਮੁਸਲੂੰਗਾ ਕਿਆ ਡਰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਵਜੇ ਤੇ 2 ਹੋਰ ਵੱਜ ਜਾਣਗੇ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੇਲੇ ਪੈਸੇ ਬੜੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾ ਲਏ, ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਫੜ ਦੜ ਕੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਾਜ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਦੱਸਦਾ, ਜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਠੱਗੇ ਗਏ, ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ, ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਏਜੰਸੀ। ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਛੱਡਿਆ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਏਜੰਸੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਕੱਟਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਠੱਗ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਠੱਗ ਕੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਠੱਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਚੁੱਪ ਤੇ ਖਮੋਸ਼ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਰੀਜ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਆਪ ਇਸ ਕਰਤੂਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸੀਏ ਖੁਦ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ FIR ਦਰਜ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਪਵੇ, ਚਾਹੇ SSP ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਦੋਸ਼ ਦੀ FIR ਦਰਜ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਠੱਗੀ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਕੋਈ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਸਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹਾਵਤ ਆਪਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਟ ਪੱਟਿਆਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੱਗੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੰਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਅੱਧੇ ਪੇਜ ਦੇ। ਸੋਰੀ ਟੂ ਸੇ, ਅਖਬਾਰ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਨਾਮੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਪੇਜ ਦਾ, ਫੁੱਲ ਪੇਜ ਦਾ, ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਆ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਆ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਫੱਟਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਆ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੱਟਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਤੰਤਰ ਆ, ਉਹ ਤੰਤਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੰਤਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲਡ ਗਲਵਸ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਲੁੱਟ ਦੀਆਂ ਹੱਟੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ, ਉਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਹਲਕਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਟੇਕਅਪ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਕਢਾ ਕੇ ਲਿਆਏ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਿਊ ਹੈਗਾ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ, MLA ਦਾ ਪ੍ਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਵਿਊ ਸਾਡੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੇਵਾਨਾਂ ਦਾ ਐਂਡ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੜਕ ਕੇ ਜਾਂ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰਨਾ, ਅਸਲ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣ, ਇਹ ਪੁਰਲੀਆਂ ਪਰਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਾ ਕਰਨ।